कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन ये सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहता, ये कई बीमारी का घर है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। देखिए, आप में से कई सारे लोग कब्ज के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि कई लोग इंटरनेट से पढ़ा होगा, कई लोग वीडियो देख के सीखा होगा, कई लोग बुक से पढ़ा होगा। लेकिन इस सब इंफॉर्मेशन में आपको कहा जाता है कि आप सलाद खाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप पानी पीजिए, या फिर कोई दवाई ले लीजिए, या फिर कोई सिरप ले लीजिए, या फिर कोई चूर्ण ले लीजिए, ये सब आपको बताया जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर आप इस सबको अपनाते हैं तो इससे आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, जिससे क्या होगा, आपको ये कब्ज वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा और आप कहेंगे कि ये फेक वीडियो है या फिर इसमें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, आप इस तरह से जजमेंट कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो इसी के लिए आपको ये जो कब्ज वाली समस्या है, कब्ज वाली जो प्रॉब्लम है, ये कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। तो आज मैं इन वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या रह गई थी वो गलतियाँ या फिर क्या रह गई वो कमियाँ, उस कमी को हम आज वीडियो में पूरा करने वाले हैं, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। आज मैं इन वीडियो में आपको चार चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। आप अपने ज़िंदगी के हर दिन में ये चार आदत आपको बदलना है और आपको देखिएगा कि आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा और कॉन्स्टिपेशन का दर्द सहना पड़ेगा आपको। पहली चीज़ कि आपको खाने का एक चौथाई भाग आपको क्या करना है, सलाद खाना है। जी हाँ गाइज, आप जितना खाना खाने वाले हैं उसका चार भाग का एक भाग आपको सलाद खाना है, और खाना खाने से 5 से 10 मिनट पहले ही आपको ये सलाद खाना है, और आपको खाना खाने के बाद में भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा सलाद खाना है। इसी तरह से हो गया कि एक राजा का आगे भी सिपाही, पीछे भी सिपाही, और बीच में राजा सेफ होता है, और वो राजा जहाँ जाना है वह बिल्कुल सेफ तरीके से जा सकता है। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, सलाद जो हो गया सिपाही हो गया, और हमारा जो मेन खाना हो गया वो राजा हो गया, सिपाही के साथ जाएगा तो वो खाना सेफ रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी खाना प्रॉपर डाइजेशन हो पाएगा और आपको ये कब्ज वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे चला जाएगा। दूसरी चीज कि आपको अपने खाने खाने का समय को 5 भाग में डिवाइड करना है। जी हाँ गाइज, कई लोग ऐसा करता है कि दिन में 2 या 3 बार खाना खा लेते हैं और बहुत सारे खाना खा लेते हैं, ना तो उसमें पानी अटने की जगह होती है, ना हमारे शरीर को ताकत होती है कि उसको हम पचा सकें। तो इसीलिए क्या करना है, आपको खाना खाने का समय 5 भाग में डिवाइड करना है। आप हर 3 घंटे में खाना खा सकें, ऐसा ही प्लान बनाना चाहिए आपको। जैसे कि अगर हम लोग एक मिठाई खाते हैं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन अगर हम पूरे डब्बा मिठाई के खा ले तो उसी मिठाई का पूरे टेस्ट चला जाए। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा कर खाना खाते हैं तो आपके शरीर को खाना पचाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और आसानी से पच जाएगा ये खाना, और आपको ये जो कब्ज वाली समस्या है, अपच वाली समस्या है, ये सब चला जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं दिन में 5 बार या फिर हर 3 घंटे के बाद, तो आपको भी ये भी फायदा होगा कि आप अपने खाना में पानी मिला सकते हैं जितना चाहे उतना, और वो क्या होगा, पानी के साथ बहुत ही अच्छा से डिजॉल्व हो जाएगा, उसे हमारे शरीर को पचाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, आपके शरीर में जो ये कचरा है ये बहुत ही सही से क्लियर हो पाएगा। अब हम आपको बताते हैं तीसरी चीज़, वो क्या है, आपको ज़्यादा पानी पीना है। जी हाँ गाइस, पानी तो सब लोग पीते हैं, यहाँ तक कि किसको नहीं पता है कि पानी हमको पीना चाहिए जिससे कि हमको डाइजेशन अच्छा हो जाए। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे शरीर को पानी कब पीना चाहिए या फिर पानी कब नहीं पीना चाहिए, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको पानी कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए। तो देखिए गाइस, अभी मैं आपको बताया कि हर 3 घंटे के बाद आपको खाना खाना चाहिए। तो जो आप अभी खाना खाए हैं तो उसके खाना खाने के जो बाद का 3 घंटा समय है, उसमें पहला जो आवर है, पहला जो घंटा है, खाना खाने का जो पहला घंटा है, उसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, थोड़ा सा भी पानी नहीं पीना है। और बाकी का जो 2 आवर है उसमें क्या करना है, आपको पानी बहुत सारा मात्रा में पीना है। उससे क्या होगा, आपका खाना बहुत ही अच्छी मात्रा में, बहुत ही अच्छी तरीका से क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा और आपको पचाने में समस्या नहीं आएगी। अब हम आपको बताते हैं चौथी चीज़, जो है फिजिकल एक्टिविटीज करना यानी कि एक्सरसाइज करना। जी हाँ गाइज,
सब लोग एक्सरसाइज करता है, यहाँ तक कि कौन है जो एक्सरसाइज नहीं करता। दिन में हल्का फुल्का एक्सरसाइज हर कोई करता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के जस्ट बाद सो जाते हैं, क्योंकि खाना खाने के जस्ट बाद सोने का मौसम जो होता है बहुत ही प्यारा सा होता है। तो हमको क्या होता है, खाना खाने के जस्ट बाद नींद आने लगती है, तो उसको आपको टालना है, आपको सोना नहीं है, क्योंकि आप जब सो जाएंगे तो आपका खाना मूव नहीं हो पाएगा, वो जहाँ है वहीं पर रह जाएगा और आपको डाइजेशन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आप खाना खाने के जस्ट बाद एक्सरसाइज करते हैं, तो मुश्किल एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको हल्का एक्सरसाइज करना है, जैसे कि वॉक हो गया, आप टहल सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आप खाना खाने के बाद कम से कम 1000 कदम जरूर चले, इससे क्या होगा, आपका खाना मूव होगा, और मूव होने के बाद क्या होगा, मूव होने के बाद क्या होगा, आपका जो खाना है वो आंते की तरफ सरकता जाएगा और आपका जो खाना है बिल्कुल सही तरीके से पच जाएगा, और आपका जो प्रेशर है यानी कि कचरा है बिल्कुल प्रेशर के साथ आने लगेगा। अगर आपको कब्ज वाली यानी कि कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम रहती है और आपको टॉयलेट जाने पर प्रेशर नहीं बन पाता है नेचुरल तरीके से, तो आपको मैं आज 2 एक्सरसाइज ऐसे बताऊंगा जिससे कि आप नेचुरल तरीके से आपको टॉयलेट जाने पर प्रेशर आने लगेगा। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप अपने खाने पीने को आदत को सुधारिए, जैसे कि आप अपने खाने पीने में पानी का मात्रा बढ़ाइए, सलाद का मात्रा बढ़ाइए। ये सब करने से क्या होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप अपनी कब्ज वाली समस्या को जड़ से हटा सकते हैं। मान लीजिए कि आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ है, मेरा पेट से भरा भरा सा लग रहा है, मेरा पेट में गैस हो गया है, आपको क्या करना है, हर घंटे जब तक आपका ये प्रेशर जब तक आपका पेट खाली ना हो जाए तब तक आपको हर घंटे पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है, आपको खाना नहीं खाना है। जब तक आपको पूरी तरह से भूख का एहसास ना हो जाए तब तक आपको खाना नहीं खाना है। आपको हर घंटे 1 घंटे बाद पानी पिए, 2 घंटे के बाद पानी पीजिए, 1 गिलास पानी पीजिए, 3 घंटे के बाद पानी पीजिए, या फिर 4 घंटे या फिर 5 घंटे पानी पीते रहिए। जब तक आपका पेट पूरी तरह से खाली ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया दोहराते रहिए। अगर आपको पूरी तरह से भूख का एहसास हो जाए तो आप क्या करिए, हल्का खाना खा लीजिए, ज़्यादा खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पानी का मात्रा बढ़ाते जाना है और आपका जो खाना पचाने का प्रोसेस है वो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। और इसी तरह से आप अपना खाना को चबा चबा कर खाइए और हर दिन के डाइट में चाय या कॉफ़ी कम से कम खाइए या फिर बिल्कुल ही बंद कर दें। गाइज, अब हम बताते हैं क्या है वो 2 एक्सरसाइज जिससे कि आप अपने आते को स्ट्रांग बना सकते हैं। उसका जो ये काम है हम लोगों को खाना पचाने का काम या फिर हमको प्रेशर देने का काम, तो वो काम ही वो अच्छी तरह से कर सके। सबसे पहले हम लोगों को इस पोजीशन में बैठ जाना है और इस पोजीशन में बैठने के बाद हम लोगों को 1 गिलास पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है। और 1 गिलास पानी पीने के बाद आप क्या करिए, इस अपनी पोजीशन को थोड़ा चेंज कर लीजिए, जिस पोजीशन पानी पिए हैं उस पोजीशन को थोड़ा चेंज कर लीजिए। और चेंज करने के बाद आप क्या कीजिए, अपने इसी पोजीशन में मैं जिस तरह से बैठा हूँ उसी पोजीशन में आपको बैठना है और आपको नमस्ते करना है, नमस्कार कर पोजीशन में बैठना है। और आपका जो कुइना है वो घुटने के अंदर होना चाहिए और घुटने आपके कुइना से बाहर होना चाहिए। इस तरह से बैठे और आपको दिन में सुबह और शाम 2 टाइम एक्सरसाइज करना है। और आपको ये इसमें ध्यान देना है कि आप अब जितना कर सके उतना ही करें, उससे ज़्यादा ना करें, और दिन में 2 बार करें। और ऐसा करने से आपको क्या होगा, धीरे धीरे आपका इंटेस्टाइन स्ट्रांग होने लगेगा और आपको प्रेशर आने लगेगा। और अगर आपका प्रेशर आने लगे तो आप टॉयलेट जा सकते हैं। आप जो है नॉर्मल तरीके से भी सांस ले सकते हैं और या फिर इस तरह के भी, मैं जिस तरह से ले रहा हूँ उस तरह से तरीके से भी सांस ले सकते हैं। ये तो हो गया पहला काम। और अगर आपको घुटने में दर्द रहता है तो आप ये पोजीशन नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे पोजीशन आप इस पंजे को बाहर रहने दें और एरी के ऊपर अपना हिप रख ले। हिप रखने के बाद आप क्या करिएगा, इस तरह से, ज़्यादा आपको हाथ नहीं फैलाना है, इस तरह से
सपोर्ट में जिस तरह से आपको कंफर्ट लगे, जिस तरह से आप अपना अपने आप को कंफर्ट में रख सके, उसी तरह से आप कैंप करिए, बैठ जाइए। और इसी तरह से आपको रहना, आप इस तरह से किस तरीके पढ़ भी सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इस तरह का एक्सरसाइज करने से सबसे पहले आपको क्या होगा, गैस रिलीज होने लगेगा, आपको प्रेशर पहले से नहीं बन रहा है तो अब प्रेशर बनने लगेगा। ये तो हो गया दो एक्सरसाइज, जिससे कि आपकी आंतें बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी ये जो प्रेशर है नेचुरल तरीके से आने लगेगा। गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे रिसर्च से ये पता चला है कि ये चार आदतें ही मेन कारण है कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है आपको हो सकती है। तो क्या करना है आपको, आप अपने जिंदगी में हर दिन ये चार चीज का यूज करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये चार आदतें आप अपने जिंदगी में बदल सकते हैं, बदलाव लाना पड़ेगा। आप अगर इस कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चार आदतें आपको अपने जिंदगी में बदलना पड़ेगा। और इसी तरह से आप अपने चार आदत को बदल कर आप अपना जो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है ये जिंदगी भर के लिए आप अपने समस्या को, आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, ये हेल्थ टिप्स जान के आपको कैसी लगी, चार सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज है या फिर कोई सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।